अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो जरूर से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस कॉलेज के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ओवरऑल इस कॉलेज के जो प्लेसमेंट्स है वो कैसे होते हैं, हाईएस्ट पैकेज कितने एलपीए का आता है, एवरेज पैकेज कितने एलपीए का होता है, ओवरऑल कितने प्लेसमेंट्स होते हैं, कौन सी यहाँ पे कंपनीज विजिट होती है, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। साथ ही में कमेंट्स में ये जरूर बता देना कि आने वाले वीडियोज़ में कौन से और कॉलेजेस के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आपको देखना है, तो उनके ऊपर भी जल्दी ही आपको जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। तो ये गाइस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट रिपोर्ट, इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। पहले गाइस यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, स्टेटस, फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड, और यहाँ पे ब्रांच वाइज सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है, और जो CTC ऑफर्ड किया था कंपनी ने यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पे फ्रेश ग्रेविटी नाम की कंपनी आई थी, आप देख सकते हो टोटल 4 लोगों का प्लेसमेंट हुआ था इसमें, और जो एवरेज पैकेज दिया था इस कंपनी में वो था 5.5 LPA। फिर थी टाटा कंसल्टेंसी, इनका एवरेज पैकेज था 7.01, जो कि मैं अच्छा बोलूँगा, और इसमें 16 लोगों का जो प्लेसमेंट है वो हुआ था, जो कि अच्छा नंबर है। फिर है टाटा कंसल्टेंसी, इनका पैकेज था 3.36 में 2 स्टूडेंट जो है वो प्लेस हुए थे। फिर है कॉग्निजेंट, तो इनका मास रिक्रूटमेंट होता है, आप देख सकते हो 52 स्टूडेंट्स का इसमें जो है वो प्लेसमेंट हुआ था। ऐसे कंपनीज़ में जो सीट्स है वो ज़्यादा होती है तो ऑफर्स भी ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा प्लेस हो जाते हैं, और जो पैकेज है वो 4 LPA का ही था। और फिर नेक्स्ट है टाटा कंसल्टेंसी, इनका पैकेज था 3.36। तो यहाँ पे आपको 4 से लेके तो 5 LPA वाली जो कंपनीज है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी इस कॉलेज में। फिर है नेक्स्ट कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, जेंसी, नेक्स्ट हायरिंग, इनका पैकेज था 6.75। फिर कैपजेमिनी भी यहाँ पे आती है, इनका पैकेज था 3.8। परसिस्टेंट का पैकेज था यहाँ पे 4.51। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड नागपुर, इनका पैकेज था यहाँ पे 6.41, जो कि अच्छा मैं बोलूँगा। फिर है NCDXE मार्केटिंग, इनका 4.2 का पैकेज था। फिर आप देख सकते हो जेट ग्लोबल, इनका 3.9, ऐसे पैकेज हमें देखने को मिल रहा है। फिर है गाइस अमेजॉन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक ऑफर आया था, तो इसका 18 LPA का जो पैकेज है वो था 18 लाख रुपए का पैकेज, और उसमें भी एक स्टूडेंट का जो प्लेसमेंट है वो आया था। तो यहाँ पे आपको ड्रीम पैकेज वाली जो कंपनीज़ है वो भी देखने को मिल जाएगी, जिनका पैकेज 20 लाख या फिर 15 से 20 लाख के बीच में रहता है। तो ऐसे ऑफर्स भी यहाँ पे आते हैं, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो अच्छा खासा पैकेज भी आपको बड़े से बड़ा भी जो है वो यहाँ पे लग सकता है। फिर लार्सन एंड टर्बो 6 LPA का इनका पैकेज था। विप्रो भी यहाँ पे आती है 3.5 का, आप देख सकते हो पैकेज। इन्फोसिस 3.8, मैक्सिमम आपको 3.8, 4, 5 के जो ज़्यादा कंपनीज़ है वो देखने को मिलेंगे, अबाउट 10 लाख के जो कंपनीज़ है वो थोड़ी कम है यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर गोल्डमैन सैच, इनका भी यहाँ पे एक जो ऑफर है वो आया था, बट इसमें कोई प्लेस नहीं हुआ था, बट इन्होंने ऑफर किया था 18 LPA। तो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है तो आप ऐसे पैकेजेस यहाँ से ले सकते हो। बाकी फिर यहाँ पे आपको एवरेज पैकेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे, और जो मेन मेन कंपनीज है जैसे टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, परसिस्टेंट, कॉग्निजेंट, ये सारी कंपनीज़ आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। फिर कुछ 6 लाख वाली कंपनीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, 5 लाख, 7 लाख के आसपास कंपनीज़ काफ़ी सारी है, बट 4 से लेके तो 5 के बीच में पैकेज वाली कंपनी ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर 8 लाख के भी एक है, फिर और काफ़ी सारे यहाँ पे जो कंपनीज़ है वो आती है। टोटल देखते कितनी कंपनीज़ है, तो टोटल 56 यहाँ पे 57 जो कंपनीज़ है वो 2021 में विजिट की थी कैंपस में, जो कि अच्छा नंबर मैं बोलूँगा। एक क्रेडिट सुशी ने जो है वो दिया था 11.92 का LPA, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो 10 लाख के ऊपर वाली जो कंपनीज़ है वो कुछ आती है यहाँ पे, बट मैक्सिमम एवरेज पैकेज आपको इस कॉलेज का जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर हम ओवरऑल पूरा एवरेज पैकेज देखते हैं तो 4.51 LPA का जो एवरेज पैकेज है वो हमें इस कॉलेज में देखने को मिल जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रेंड है वो अभी CSIT का है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में CSIT में और जो प्लेसमेंट्स है वो बढ़ जाए, और भी यहाँ पे IAS जो पैकेज है वो देखने को मिले, क्योंकि जो कॉलेज है गाइस वो ऑटोनॉमस है, गवर्नमेंट भी है, साथ ही में स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे जो फैसिलिटीज़ है वो भी मिल जाएगी। अगर आपको ये कॉलेज मिलता है तो आपको जो फीस वगैरह है वो भी कम पे करना पड़ेगा, और सपोज़ अगर जो ब्रांच आपको चाहिए वो ब्रांच अगर आपको मिल जाती है तो आपको काफ़ी बढ़िया जो प्लेसमेंट है वो हो सकता है इस कॉलेज में भी, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ ऑफर्स है वो अच्छे खासे आते हैं। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्लेस देखते हैं 2021 के, तो आप देख सकते हो 195 स्टूडेंट जो है वो प्लेस हो गए थे। तो ओवरऑल जो कॉलेज है प्लेसमेंट वाइज भी अच्छा है, बस आपको जो एवरेज पैकेज वाली कंपनीज है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी इस कॉलेज में। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, साथ ही में अगर इस कॉलेज के ऊपर डिटेल में वीडियो या फिर डिटेल रिव्यू चाहिए होगा तो ज़रूर बता देना, वो भी जो वीडियो है मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबा देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।